नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए हैं मेल और फीमेल कांस्टेबल के सभी बच्चों के लिए। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है कि हाई कोर्ट की तरफ से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी और कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो दोबारा मौका दिया जाएगा। ये कन्फर्मेशन हो गया है, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मैं पूरी बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई जरूर से जरूर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ आप हम इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या अपडेट निकल के सामने आई है और हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा क्या अपडेट आप लोगों के लिए है कि जिसमें आप लोगों को दोबारा मौका मिल सकता है। जो बच्चे एग्जाम के टाइम पे या सिलेक्शन के टाइम पे सिलेक्ट नहीं हुए थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ चुकी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दैनिक सवेरा में आज के दिन का एक अपडेट निकल के सामने आया है जिसमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है, जो कि कल से कुछ वायरल हो रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रही हैं। कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया था कि कुछ भर्तियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, रद्द नहीं की गई है, लेकिन कुछ अपडेट्स जो है उसमें लाए गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जूम करके रीड करके बता देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की सिपाही सब इंस्पेक्टर और IRB सिपाही पद पर रिजल्ट जो है वो संशोधित करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो अब रिजल्ट जो है वो संशोधित किए जाएंगे। किस भर्ती के रिजल्ट संशोधित किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे उसका पूरा अपडेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपडेट यहाँ पर जो है वो ये है कि 3/2018 में जो भर्ती निकाली गई थी मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल में, उसमें कुछ गलतियाँ जो है वो हाईकोर्ट ने प्राप्त की हैं, जिसमें कुछ केसेस किए गए थे जिसके बेसिस पे अब उन्होंने कहा है कि जो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए थे बच्चों को, उनमें से कुछ बच्चों को गलत नंबर जो है वो दिए गए हैं, तो प्लीज़ उसको संशोधित करें। यहाँ पे कहा गया है कि माता जीवित होने और पिता न होने पर अंक प्राप्त करने की शर्त पूरी करने वाले सभी विद्यार्थियों को 5 अंक दिया जाए। तो उस समय एक शर्त आया था कि जिसकी माता जो है वो जीवित हैं लेकिन पिता जीवित ना हैं तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ केसेस में कुछ बहुत सारे बच्चे के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उसके बावजूद भी जो है उनको नहीं मिला था नंबर। तो उस बेसिस पर उन्होंने बोला कि HSSC को नोटिस दिया है हाईकोर्ट ने कि फटाफट से इसको संशोधित करें, और संशोधित करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संशोधित करने के बाद उन्होंने बोला कि रिजल्ट संशोधित होने पर जो उम्मीदवार चयनित हो उन्हें नौकरी दी जाए और जो बाहर हो उन्हें हटाया जाए। तो अब देखिए क्या है, गलत जो आप करोगे तो गलत सज़ा गलत ही पाई जाएगी। आपने 2018 में जिन बच्चों ने गलती से या गलत तरीके से नंबर लेके अपना सिलेक्शन करा लिया, अब वो 5 साल बाद फिर से उनको नौकरी से निकाला जाएगा। तो ये देखिए, ये कहा जाता है कि कभी भी फर्जीवाड़े से या गलत तरीके से जो है वो आप लोग कुछ भी मत करिए, ईमानदारी से रहिए। अब 5 नंबर एक्स्ट्रा पाने के बाद आपने 5 साल नौकरी तो कर ली, लेकिन अब फिर से आप लोगों के ऊपर तलवार गिर सकती है, गाज गिर सकती है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करना था। आगे बहुत सारी अपडेट्स इस पर आती रहेंगी तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। साथ साथ में आपको मैं हाईकोर्ट के नोटिस भी जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब भी फॉलो भी जरूर करिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।